हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड टुडेज टॉपिक रिलेटेड विद नेक्रोप्सी फाइंडिंग नेम्ड लेशंस बिफोर वी स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर इन कवरेजिंग विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आई लुकिंग फॉरवर्ड लेट्स गेट स्टार्टेड जी आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लेशंस लिशंस जब भी हम नेक्रोपसी फाइंडिंग करते हैं या एनिमल का पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें हमें ये स्ट्रक्चर मिलती है अभी लिशंस हैं क्या लिशन से एक स्ट्रक्चर अल्टरेशन हो जाती है किसी सेल में या किसी टिश्यू में या वो स्ट्रक्चर नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाए या अल्टरेशन हमें हम कहते हैं किसी चेंज को मतलब सेल या किसी आर्गन या किसी टिश्यू में कोई चेंज आ जाए वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाए उसे हम कहते हैं लेशंस वो लेशंस हो जाता है अभी लेशंस के जो हैं दो टाइप्स होते हैं एक होता है माइक्रोस्कोपिक या उसे ग्रास लेशंस कहते हैं और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक या उसे हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं अभी जो ये मैक्रोस्कोपिक या ग्रास लेशंस होते हैं वो जो है हम नेक्ड आई से अपनी आँख से देख सकते हैं उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती हम उसे देख सकते हैं और दूसरा जो माइक्रोस्कोपिक होता है हिस्टोपैथोलॉजी वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते उससे हमें देखना जो होगा अंडर द माइक्रोस्कोप देखना होगा ऐसे हम नहीं देख सकते अभी उसके साथ साथ हम लेशंस की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि वो ऑर्गन में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसकी कैसे कैसे स्ट्रक्चर होती है अभी उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन तरीके से होती है लेशंस की नंबर वन होती है फोकल नंबर दूसरी होती है मल्टी फोकल और तीसरी होती है डिफ्यूज़ अभी जो फोकल में डिस्ट्रीब्यूशन होती है लेशंस की वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे लेशंस होते हैं मतलब जब भी ये एम सी क्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अब इंपॉर्टेंट है कि अब फोकल लेशंस किस जगह होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया एरिया में होते हैं मतलब एक सिंगल एरिया में कोई लेशंस हो जाए उससे हम कहेंगे ये फोकली डिस्ट्रीब्यूट है मल्टी फोकल क्या होता है वो होगा एक ही एरिया में मतलब पूरी डिफरेंट जगह पर मौजूद होगा मल्टीफोकल मतलब लेशंस जो हैं एक ही ऑर्गन में डिफरेंट एरियाज पर मौजूद होंगे लेशंस तो वो उसे हम कहेंगे कि ये मल्टीफोकल डिस्ट्रीब्यूशन है लेशंस की और तीसरा होता है डिफ्यूज़ डिफ्यूज़ में क्या होता है कि पूरा जो आर्गन है वो इफ़ेक्टेड हो जाता है लेशन से मतलब कोई भी जगह है वो खाली नहीं रहती पूरी की पूरी आर्गन जो हमारा होता है वो लेशन से लिपट जाता है इसलिए हम उसे नाम देते हैं डिफ्यूज़ का फोकल में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होता है मल्टीफोकल में मतलब डिफरेंट uh, होता है कि आर्गन में मतलब डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट एंगल्स में इफ़ेक्टेड होता है आर्गन डिफ्यूज में पूरा का पूरा ऑर्गन जो है वो इफेक्टेड होता है ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है लेशंस की उसके बाद लेशंस को हम कलर के तौर पे कैसे मालूम करें क्योंकि कलर जो है एक बहुत पैथोलॉजी के हिसाब से माना रखता है विडनरी पैथोलॉजी में क्योंकि ये विडनरन को एक बड़ा मौका होता है कि वो लेशंस को आइडेंटिफाई कर सकें थ्रू कलर्स उसमें कौन कौन से लेशंस में कलर होते हैं एक होता है रेड येलो वाइट होता है ब्लैक होता है ग्रे होता है ग्रीन होता है एंड ट्रांसल्यूसेंट होता है ये कलर होते हैं लेशंस में जो हमें डिफरेंट प्रोफेक्टेड एरिया है उसमें ये मसला काज करवा रहा है उसमें ये ये इशूज़ हैं वो कलर के हिसाब से वो बता सकते हैं विडनरिन अभी जो हमें रेड कलर नज़र आएगा वो तकरीबन जो होता है सर्कुलेटरी प्रॉब्लम एनिमल्स में होते हैं या हेमोरज़ वगैरह होते हैं या कंजेशन वगैरह होते हैं ना तो तब हमें जो है ना लेशंस जो है रेड कलर में दिखाई देगा ये रेड कलर की आइडेंटिफिकेशन है जब भी कोई इस एनिमल में सर्कुलेटरी प्रॉब्लम होंगे हेमोरजिज वगैरह होंगी या कंजेस वगैरह होंगी तो वहाँ पे हमें लेशंस का रेड कलर नज़र आएगा हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और दूसरा कलर होता है येलो कलर अभी जो येलो कलर होता है ये हेपाटिक प्रॉब्लम्स को हेपाटिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं एनिमल्स में उसके लिए बताता है हमें यहाँ जो कि डिसआर्डर्स होते हैं बिल्यू रिबिन में उसके यापाटिक प्रॉब्लम्स लिवर वगैरह में जो होते हैं वो येलो कलर प्रोड्यूस करवाते हैं और तीसरा जो होता है वाइट कलर होता है वाइट कलर क्या होता है ये कोई एक सर्टेन एरिया के लिए जो ब्लड का फ्लो होता है उसमें कमी आ जाती है वाइट कलर में जब भी वाइट कलर आएगा तो हम समझ लेंगे कि सर्टेन एरियाज़ में कुछ एरियाज़ में जो है ना ब्लड का जो फ़्लो है उसकी कमी है मतलब ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो रहा है चौथा नंबर होता है ब्लैक कलर इसमें हम देखते हैं लेशंस में वो जो होता है वो ओल्ड ब्लड का होता है या मेलिनाइन होती है या उसमें जो पिगमेंट जो प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है उसमें जो है डिसकलरेशन वगैरह हो जाती है उसमें जो ब्लड होता है वो ओल्ड हो जाता है तब वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करवाएगा और पाँचवा है ग्रे कलर जब भी ब्लड में पस आ जाएगी तो वहाँ पे ग्रे कलर प्रोड्यूस होगा हम समझ लेंगे कि ब्लड में अभी पस आ गई है लेशंस की वजह से तब हमें ग्रे कलर दिखाई दे रहा है उसके बाद एक ग्रीन कलर ग्रीन कलर है छठे नंबर पे ग्रीन कलर में क्या होता है लेशंस के दौरान डिस्कलरेशन हो जाती है वो भी एक पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के थ्रू होती है और जो कलर होता है वो मुक्त टोटली डिफरेंट हो जाता है मतलब कलर की डिस्कलरेशन हो जाती है और आखिरी होता है ट्रांसल्यूशन ट्रांसल्यूशन क्या करता है ये होता ही कलर लेस है इसका कोई कलर नहीं होता ये जो तकरीबन है वो सिस्ट में मौजूद होता है इसमें कोई भी कलर मौजूद नहीं होता ट्रांसल्यूसन में ये सात कलर हैं इसकी मदद से जो विंडर हैं वो एग्जामिन कर सकता है लेशंस को कि जो लेशंस है वो कौन कौन से कलर प्रोड्यूस करवा रहा है और वो कौन कौन से काजेज़ हैं उस कलर के वो ये कलर दे के पहचान सकता है उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे लेशंस की जो है कंसिस्टेंसी अभी कंसिस्टेंसी क्या होती है कंसिस्टेंसी हम डेंसिटी को बोलते हैं या विस्कोसिटी ऑफ लेशंस को कह सकते हैं हम इसको वो तीन तरीके से होती है एक होती है सॉफ्ट दूसरी होती है फाम और तीसरी होती है हार्ड अभी सॉफ्ट जो होती है वो लाइक कवर चीक्स होती है मतलब जो हमारे चीक्स हैं उसकी तरह होती है सॉफ्ट होती है बिल्कुल नरम होती है जिसमें एडिपोज टिश्यू और लंग्स आ जाते हैं और दूसरी जो होती है फाम होती है फाम क्या होती है थोड़ी टफ़ होती है हमारे नोज़ की तरह जिसमें कार्टिलेज वगैरह आ जाते हैं उसकी तरह इसकी कंसिस्टेंसी होती है फाम में और हार्ड में जो है वो हमारे लाइक फोर हेड होती है फोर हेड की तरह होती है जैसे वो बिल्कुल सख्त होता है बिल्कुल वेरी टफ होता है जिसमें मिनरलाइजेशन ऑफ़ द बोन्स होती है ये तीन कंसिस्टेंसी है ये बी एम और हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं तीन तरह की कंसिस्टेंसी होती है सॉफ्ट फॉर्म और हार्ड सॉफ्ट हमारे बिल्कुल नरम होती है चीक्स की तरह फॉर्म जो है नोज़ की तरह होती है कार्टिलेज वगैरह के लिए थोड़ी टफ़ होती है हार्ड बिल्कुल टफ होती है फोर की तरह जिसमें मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स होती है सो दैट्स एट इन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पोस्टमार्टम की पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चेंजिंग आ रही है पोस्टमार्टम में अभी के लिए हमें इजाज़त दें थैंक यू सो मच